में ज्ञान 7500 वर्ष पूर्व रामचंद्र जी की आत्मा में भारतवर्ष में आया। वो भारतवर्ष में क्या हुआ कि यहाँ पर रावण था और रावण इतना अत्याचारी हो गया कि उसने राम की पत्नी पर कुदृष्टि डाली, बहुत ही उसने अन्याय किया, मर्यादा विहीन हो गया। तो जब मर्यादा विहीन राजा हो जाए तो राजा तो राज्य का न्याय करता है। उस जमाने में जो राजा होता था वो न्यायाधीश भी होता था, अर्थात कोई कोर्ट कचहरी अलग से नहीं होती थी। लोगों को कोई शिकायत किसी से होती थी तो अपनी फरियाद लेके दरबार में जाते थे, राजा के सामने अपनी शिकायत रखते थे, राजा दूसरे को बुला के उसकी जवाब को सुनता था और दोनों तरफ की सुनने के बाद वो फैसला देता था, न्याय करता था। लेकिन राजा ये स्वयं अपराधी हो जाए, जो न्याय करने वाला है वो स्वयं यदि ऐसा हो जाए जो कि मर्यादा विहीन हो जाए तो उससे क्या होगा? राजा मर्यादा विहीन होगा तो उसकी संतान मर्यादा विहीन हो, उसकी संतान होगी फिर उसके मंत्रीगण अमर्यादित हो जाएंगे, उसके अधिकारीगण अमर्यादित हो, और जब मंत्रीगण और अधिकारीगण और उनकी संतान अमर्यादित होगी तो पूरा समाज में अमर्यादा फैल जाएगी। तो उस समय 7500 वर्ष पूर्व परमात्मा ने राम को सृजित किया और उनकी आत्मा में डाला कि जाओ तुम मानव जीवन को मर्यादित करो, रावण के साथ युद्ध करो, रावण का विनाश करो। तो ये तो सारे जगत के लिए बड़ा एक गलत उदाहरण बन जाएगा। तो रामचंद्र जी आए, उन्होंने मानव जीवन की मर्यादा के पालन के लिए एक पूरी एक रचना की परमात्मा ने, जिसमें कुछ वचन कैकेयी को दशरथ ने दिए, दो वचन दिए और कैकेयी ने वो दोनों वर मांग लिए। जब राज्याभिषेक राम का होने वाला था इसमें एक वर में मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में मांगा कि भरत को गद्दी दे दी जाए। तो वो राजा को विवश होकर मजबूरी में ये देना पड़ा। तो जब उन्होंने दे दिया राजा ने तो रामचंद्र जी को वन में जाने का आदेश मिल गया तो रामचंद्र जी बड़े खुश हो गए कि मुझे तो बड़ी कृपा हुई, मैं वन में जाऊँगा तो संत और महात्माओं के दर्शन का लाभ मिलेगा, ऋषि मुनियों की वाणी सुनने का लाभ मिलेगा, तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। तो बड़े खुश। अब दशरथ इतने परेशान हो गए जब राम ने कहा कि आपने तो मेरा कल्याण कर दिया, मुझे बनकर राज्य दे दिया। तो दशरथ कहते हैं अरे ये तो चला जाएगा, राम के बिना 14 वर्ष तो क्या, मैं तो 14 दिन 14 महीने 14 दिन 14 घंटे 14 मिनट 14 पल तो क्या, एक पल भी जीवित नहीं रह सकता राम के बिना। राम मेरे जीवन की धड़कन है, राम को देख के तो मैं जिंदा रहता हूँ। और यही स्थिति राम की भी थी, राम भी इतना ही प्यार करते थे पिताजी को, एक पल भी नहीं रह सकते थे पिता के बिना, इतना ही दूसरे का प्रेम था। लेकिन जब मर्यादा का प्रश्न आया, वचन के पालन की मर्यादा रखनी है, क्योंकि दशरथ ने उनके पिता ने वचन दिया कैकेयी माता जी को, ये वचन दे दिया कि दो वर कोई मांग लेना, और माताश्री ने दो वर पिताश्री से मांग लिया। अब पिताश्री परेशान, आदेश तो दे दिया रहा कैकेयी की बात मानकर, लेकिन घबराने लगे, रोने लगे, तड़पने लगे, बहुत ही विलाप करने लगे। तो राम के सामने एक संकट पैदा हुआ, पिता की पहली आज्ञा है मैं वन में जाऊं, उनके वचन की मर्यादा का पालन करूं, और दूसरी आज्ञा है कि मैं न जाऊं। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर मेरे दो पिता हैं, एक मेरे शरीर के पिता हैं दशरथ, एक मेरी आत्मा के पिता हैं परमात्मा, पहली आज्ञा पिता ने शरीर के पिता ने दी मैं वन जाऊं, उनके वचन का पालन करूं, और दूसरी आज्ञा दिए कि मैं न जाऊँ, यदि वन में मैं गया तो वो प्राण त्याग देंगे, मेरे बिना जीवित नहीं रह सकेंगे, मैं उनकी मृत्यु का कारण बन जाऊँगा, जिनके बिना मैं जी नहीं सकता मैं ही उनके मरने का कारण बन जाऊँगा। तो राम विलाप करने लगे, प्रभु से प्रार्थना की, हे परमात्मा इस संकट से उबार मैं क्या करूँ, एक और पहली आज्ञा पिता की है
मेरे वचन की मर्यादा के पालन के लिए वन में जाओ, और दूसरी है वन में न जाओ। ईश्वर की ओर से आदेश आए। हे राम, हर व्यक्ति के दो पिता होते हैं, एक शरीर का और एक आत्मा का। आत्मा का पिता जो परमात्मा है बड़ा पिता है, और शरीर का पिता छोटा पिता होता है। यदि दोनों की बात एक हो तो माननी चाहिए, किंतु दोनों की बात में फर्क हो जाए तो बड़े पिता की बात माननी चाहिए, छोटे की नहीं। राम को उत्तर मिल गया कि बड़े पिता परमात्मा हैं, उनकी आज्ञा तो सदैव है कि हम वचन का पालन करें। और रघुकुल की तो रीति भी यही है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाते तो जाए लेकिन वचन न चला जाए, यही रघुकुल की रीति है। तो प्यारे बच्चों, राम ने निश्चय किया कि मैं वन में जाऊंगा, और राम वन को चलूंगा। और जैसे ही राम ने कक्ष से कमरे से बाहर निकले, पिता ने निरीह आंखों से देखा कि राम कठोर हो गया, पत्थर हो गया। वो मेरी रुदन, मेरी चीख और मेरी पुकार को नहीं सुन रहा है। राम निष्ठुर हो गया, राम चला गया। और जैसे ही राम कक्ष से बाहर निकले, उन्होंने प्राण त्याग दिए। राम अपने पिता की मृत्यु का कारण बन गया, लेकिन मर्यादाओं के पालन के लिए। मर्यादा ये थी कि वचन जो दिया है पिता ने, उसका मर्यादा रखना। उन्होंने अपने जीवन से लोगों के जीवन को मर्यादित करने का प्रयत्न किया। लाखों करोड़ों लोग उनके जीवन को देखकर, उनके त्याग को बलिदान को देखकर, 14 वर्ष के उनके वनवास की तकलीफ़ों को देखकर उनके जीवन बदल गए, अपने जीवन बदल गए, अपने चिंतन में परिवर्तन कर लिया, अपनी सोच उन्होंने मर्यादित कर ली, मर्यादित विश्राम, मर्यादित भोजन, मर्यादित आचरण करने लगे, और सबके दुख दूर हो गए। कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कर काहू व्यापा। तो राम ने कोई छड़ी नहीं घुमाई जादू की, सब दुख दूर हो जाओ, दूर हो नहीं। राम ने तो कठोर जीवन किया, मर्यादा का पालन किया, और वही सीख दी लोगों को, मर्यादित जीवन व्यतीत करो। और लोगों ने जब जीवन मर्यादित किया तब उनके दुख दूर हुए। तो शिक्षा क्या दी उन्होंने? मर्यादा। तो उनसे क्या सीखना है? जो शिक्षा है उसको जानना। क्या शिक्षा है? मर्यादित हो। और पूजा क्या है? उसमें चलो। अब हम लोग क्या करते हैं? आरती श्री रामायण की आरती करते हैं। असली आरती क्या है? असली आरती है उसमें जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं पर चलना, उसका पालन करना, उसकी आज्ञा का पालन करना। यानी राम ने वचन के पालन के लिए 14 वर्ष का वनवास देना, हम भी ये शिक्षा लें कि वचन हमने दिया है किसी को तो हम पूरा करें, वचन को नहीं तोड़ेंगे। ये हमारी शिक्षा इससे मिलती है। लेकिन राम को ये पुस्तक रिवील नहीं हुई, कोई परमात्मा ने ऐसे जैसे मोहम्मद साहब को मिली, या बाइबल यीशु मसीह को मिली, या कृष्ण जी को, भगवान श्री कृष्ण को गीता मिली दिव्य लोक से, इस तरह की पुस्तक उनको रिवील नहीं हुई। तो ये राम का जीवन इतना महान था कि उनकी कहानियाँ लोगों में फैलती गई पीढ़ी दर पीढ़ी। हर माता पिता ने अपने बच्चों को राम के महान जीवन के बारे में बताया। और आज से 500 वर्ष पूर्व, यानी राम की मृत्यु के 7000 वर्ष के बाद, तुलसीदास जी जब जन्म हुआ तो बचपन से ही उन्होंने चारों तरफ जहाँ भी जाएँ राम की चर्चा, राम की गाथाएँ, राम की कहानियाँ, राम की कथा, रामलीला हर जगह जाके देखते थे। और धीरे धीरे करके उन्होंने सारी शिक्षाएँ राम की एकत्र की, राम की सारी जो जीवन का उनका मूल्य थे उनका एकीकरण किया, और उन्होंने छंद लिख दिए, चौपाई लिख दी, रामायण तैयार हो गई। तो रामायण रिवील्ड बुक नहीं है, रिवील्ड बुक वो होती है जो अवतार से आती है, वो रिवील्ड होती है। और ये अनरिवील्ड है, रिवील नहीं किया परमात्मा ने, लेकिन इसमें परमात्मा की वाणी है, परमात्मा के सारे जो शिक्षाएँ जो गीता में है, पुराण में है, बाइबल में है, गुरु ग्रंथ में, वो इसमें है सर। तो रामायण में सारी शिक्षाएँ,
लेकिन रामायण त्रुटि रहित नहीं है, इसमें एक त्रुटि भी है, एक चौपाई है इसमें कि ढोल गमार शुद्ध पशुधारी ये सब तारण के अधिकारी, ढोल गमार तो जितने अवतार थे तो ढोल गमार थे, पढ़े लिखे तो कोई थे नहीं, गांव में कोई स्कूल कॉलेज मदरसे नहीं थे तो सभी अशिक्षित थे, ढोल गमार थे। और शुद्ध ये तो व्यवस्था गलत है, परमात्मा ने सबको बराबर बनाया, बुद्धिजीवी का ये वर्ण व्यवस्था गलत है, तभी ब्राह्मण बड़े ऊँचे, ये क्षत्रिय से नीचे है, ये वैश्य से भी नीचे है, शुद्ध सबसे नीचे है, बुद्धिजीवी का ये गलत है, परमात्मा ने सबको बराबर बनाया, किसी को ऊँचा नीचे नहीं बनाया, ये व्यवस्था तो मनुष्यों ने बनाई, मनु महाराज ने बनाई, एक ऋषि थे, ऋषि से तो गलती हो सकती है, संत से तो गलती हो सकती है, लेकिन जो अवतार उन्हें दिव्य रूप से प्राप्त होता है, ऐसे शक्ति से प्राप्त होता है जो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, परमेश्वर है, आत्मशक्ति है, उससे जो ज्ञान आया है ये सब अनैतिक है। तो दो प्रकार की पुस्तकें होती हैं, एक रिवील्ड एक अनरिवील्ड। तो ये रामायण क्या है? अनरिवील्ड है, रिवील्ड नहीं है, परमात्मा ने रिवील्ड नहीं किया। और ये सब क्या है दर्ज रखती है? ये रिवील्ड है, परमात्मा ने रिवील्ड किया। तो रिवील्ड बुक्स के बारे में क्या है कि इसमें शाश्वत शिक्षा सब में एक है, सामाजिक शिक्षा है, युग काल और परिस्थिति के अनुसार है। अब जैसे एक सामाजिक शिक्षा राम की माध्यम से भी आई, मर्यादा मानव जीवन मर्यादित हो, राजा का जीवन मर्यादित हो, प्रजा का जीवन मर्यादित हो, घर घर में हर एक का जीवन मर्यादित हो, पिता पुत्र की मर्यादा हो, भाई भाई के अंदर मर्यादा हो, भाई बहन की मर्यादा हो, सारे समाज में मर्यादाओं का उल्लंघन न करें, तो ये ज्ञान है। 5000 प्रश्न न्याय की शिक्षा, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना, दर्द चाहे का भाई हो तो न्याय तो होना चाहिए, या जिसने गलती किया तो उसे दंडित किया, तो न्याय की शिक्षा। 3000 प्रश्न त्रिपिटक आई बुद्ध की आत्मा में, जिसमें था समय ज्ञान सब बराबर, ये ऊंच नीच की व्यवस्था गलत, कास्ट सिस्टम वॉज क्रिएटेड फॉर ए सोसाइटी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ टुडे, इज अ लॉस्ट रेलेवेंस, तो कास्ट सिस्टम को नहीं मानना। व्हाट इज नीडेड टुडे? इक्वालिटी एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, वी आर ऑल इक्वल इन द सोसाइटी, कोई ऊंचा नीचा नहीं। तो ये जो रामायण में लिखा है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, अब पशु तो बहुत काम करते हैं, गाय दूध देती है, बकरी दूध देती है, उसका जो बछड़ा होता है बैल वो हमारे हल जोतता है, जैसे गेहूँ, अब इन सबको मार डालें हम, उनको प्रताड़ित करें तो दूध कहाँ से मिलेगा, हमारे खेत कैसे अनाज कैसे पैदा होगा, तो ये इनको प्रताड़ित करें, ढोल गमार शुद्ध पशु और नारी, अपराधी जितना अपराध पुरुष करते हैं इतना तो नारी नहीं करती, नारी तो भी अपराधी हो सकती है लेकिन पुरुष ज़्यादा अपराधी है, तो नारी क्यों दंडित हो, जो अपराधी पुरुष है वो क्यों दंडित हो। तो ये चौपाई जो है रामायण में ऐसी है जो गीता से कुरान से बाइबल की शिक्षाओं से मेल नहीं जाती, इनमें किसी में नहीं, इन किताबों में जाति पाति नहीं, ऑल आर इक्वल, एक खुदा के बंदे हैं। तो ये किताब आई त्रिपिटक की जाति पाति गलत, बाइबल आई जब मानव जीवन कठोर हो गया पत्थर हो गया तब परमात्मा ने दिव्य लोग से संदेश भेजा, ईसा किया थी। और वो था पृथ्वी का साम्राज्य उनका होगा जिनका जीवन करुणा में होगा दया में होगा, जो विनम्र होंगे धरती के शक्तिशाली राजा बनेंगे, तो उन्होंने करुणा और दया को शक्ति का स्वरूप बताया। और आज से 1400 वर्ष पूर्व भाईचारे के संदेश मोहम्मद साहब ने दिया, बोली कुरान शरीफ बाइबल एक डब लाया फाटा, और बुद्धि जी एक बट में चुनचे बैठे थे, वर्षों साधना करते रहे, ज्ञान की पिपासा में मुझे ज्ञान प्राप्त हो, एनलाइटनमेंट प्राप्त हो, सारी खाल जल गई, मांस जल गया, हड्डियों का ढांचा रह गया, तब दिव्य रूप से उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो,
टू एनलाइटनमेंट दिव्य रूप से आएगा। ये बुद्ध जी एक लिखी वाणी नहीं। इसी तरह बाइबल एक जब एक फलता दे गया, ये लिखी नहीं है। कुरान शरीफ भी मोहम्मद साहब ने नहीं लिखी, खुदा की वाणी अल्लाह से, अल्लाह की तालीमात आती गई, वो भारत की पत्तियों पर लिखी गई, इकट्ठी हुई तो कुरान शरीफ। 550 साल को गुरुमुखी में या ये सब ट्रांसलेट होकर दुनिया में फैल गया। संस्कृत में आई गीता ट्रांसलेट हुई दुनिया में, त्रिपिटक पाली भाषा में आई ट्रांसलेट होकर दुनिया में फैल गई, बाइबल हिब्रू भाषा में आई ट्रांसलेट होकर दुनिया में पहुंच गई, कुरान शरीफ अरबी में आई दुनिया में पहुंच गई ट्रांसलेट हो, गुरु ग्रंथ साहब 550 वर्ष पूर्व आया पंजाबी भाषा में गुरुमुखी ट्रांसलेट हुआ दुनिया में फैल गई। जिसका लिखा था पर अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे और एक नूर के सब दे रुक जाए और भले बंदे और नानक नाम चलती कर कब जब तेरे भाने सर्वत्र दावे। नानक का नाम ये ईश्वर को ले जाने का मार्ग है, लेकिन शर्त है कब जब सर्वत्र दावे सारी सृष्टि के प्रत्येक प्राणी की तू भलाई करेगा तब त्याग करेगा उसके। तो सच्चा सौदा बताया मानव जाति के लिए त्याग सारी मानव जाति, ये गुरु ग्रंथ साहब की शिक्षा गुरुमुखी भाई ग्रंथ बावड़ा की शिक्षा ही भाई। इसमें था एकता, एक कर दे हृदय अपने सेवकों के हे प्रभु अनेक महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे विभो। माय गॉड माय गॉड विनायक हार्ट दाई सर्वेंट एंड विल टू द ग्रेट परफेक्ट। प्यारे बच्चों ये सारी किताबें एक परमात्मा है, कहते हैं आई वे विटनेस माई गॉड दाउ हैज़ क्रिएटेड मी टू नो यू। मैं साक्षी देता हूँ हिम्मत करने कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जान, तुझे जानने की मानी तेरी इन शिक्षाओं की जाने, ये दिव्य लोक से भेजी तुझे जानने की मानी इन शिक्षाओं को जान और तेरी पूजा करूँ इन पर चलूँ। तो प्यारे बच्चों इन शिक्षाओं को जानना और इन पर चलो, इसके लिए जन्म हुआ है। लोग क्या करते हैं इनको रख लेंगे तोते की तरह, कई लोग रामायण रख लेते हैं, कई लोग गीता रख लेते हैं, कई त्रिपिटक कई बाइबल के भी पढ़ा कई गुरु ग्रंथ साहब कई भाई के और रट के पूरा सुनाते हैं, समझ में कुछ आता नहीं। तो ये तो पढ़ के समझने की चीज़ है और फिर से पालन करना, यदि हम पढ़ के समझते नहीं इसका पालन नहीं करते तो खुदा ने जो किताबें भेजी हैं वो तो हमारी भलाई के लिए भेजी है, तो हमारी भलाई कैसे होगी? क्योंकि जब इन चीज़ों में क्या लिखा है वो हम जानेंगे ही नहीं और उसका पालन नहीं करेंगे तो हमारा भला कैसे होगा? हमारी भलाई के लिए ये ज़रूरी है इन किताबों को पढ़ें समझें श्रवण करें मनन करें निरिध्यासन करें। 1 hour रिफ्लेक्शन इज प्रेफरेबल टू 70 years टू 5 वर्ष। 1 घंटे हम कुरान की एक आयत ले लें उसकी गहराई में जाएं। इस जन्म तो क्या सैकड़ों जन्मों के लिए वो काफ़ी आपका मार्गदर्शन करें। बाइबल का एक मंत्र ले लें उसके 1 घंटे एक मंत्र लेकर उसको विचार करें उसकी गहराई में जाएं, उसके मंतव्य को समझें जीवन में पालन करें। किसी भी किताब का आप ले लीजिए, गीता का ले लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब का ले लीजिए, त्रिपिटक का ले लीजिए, किताबें एकदम से ले लीजिए, एक भी उसका मंच लेकर के उसको विचार करें उसमें जाएं तो फिर हमारा फायदा होगा। यह थे सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम है। डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षाप्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार CMS FM रेडियो 90.4 MHz से भी प्रसारित किए जाते हैं। छात्रों शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल न्यूमन ग्रुप 4C अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली 1100002 से प्राप्त की जा सकती हैं।
to heal the world with the power of Jai Jagat. City Montessori School since 1959 has been actively working to construct the defenses of peace in the minds of students, for which CMS in the year 2002 was awarded with the UNESCO Prize for Peace Education. A Guinness World Record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled, CMS Education revolves around the twin poles of godliness and globalism through four pillars of education, namely universal values, excellence in all things, global understanding, and service to humanity. It is no wonder that City Montessori School's Gomti Nagar First Campus has been awarded first prize for academic reputation at All India level by the Education World magazine in its India School Rankings of 2015. It is also awarded first prize for being the best co-ed school in Lucknow as well as in Uttar Pradesh. CMS founder Dr. Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences. Does it go down further down to other aspects? Other aspects like teachers, environment, everything is really very good. The support of the principal ma'am and vice principal ma'am, all the teachers, the support staff and all that, it's really very helpful in bringing such good results. And the fact that the friendly environment of friends and all that, it's really very good. Well, if you don't give so much time to studies, I'm sure you're left with a lot of time to do other things in CMS. Obviously, like table tennis, cricket, football, taking part in activities related to singing and music, everything. I was the head boy of the school, so during my period, so I've experienced many things, and it's really very interesting. And I feel like that everyone should experience all those things apart from studies. You have a role model as far as leadership goes back in your school. Principal ma'am is my role model because the way she leads the school in such an ease and the way the school functions. So she was my role model. She is my role model. And at home, my cousin, he, be it leadership, be it music, singing, be it academic, everything. He is just my role model and I follow his path. I'm sure you're very well connected with all those international activities happening in CMS. Like the Chief Justice Conference, it's, I feel, the best thing that has happened to me in CMS. Because be it any other school, I don't feel that any such activity might be taking over there. So that's really very important part as we get time to interact with chief justices of different part of the world. So that's very interesting. Mm-hmm. What has been your interaction like? That's really intriguing. Interaction like related to the present world issues, the issues which are which have been taken in the conference and all that related to that only. Do you think like you boys and girls go attend the conference, but then that's all? Or you actually take it to the next level, you treat them as real issues and think of doing something about them? No, I really treat them as different issues and really feel that everyone should do their bit to bring world peace and all those things which are being discussed in conference. And it's really very important to take it to the next level. Mm-hmm. CMS strives to prepare every single child for global decision-making careers. That is one of the pet phrases of Dr. Gandhi, yeah. One of the pet expressions of Dr. Gandhi, yeah. And his earnest desire also, yeah, to see you boys and girls up there on the world map. Really, I feel that I should be at that position so that I can bring changes in the whole world, positive changes, and fulfill Dr. Gandhi's dream
and it's one of my dreams also. Mm-hmm. You are on your way to become an engineer or a technocrat, but then at the same time you tell me you want to be a musician as much. With these twin roles, maybe you can manage both with great ease once you are a career person. How can you take these two passions, or maybe your career as an engineer and your passion, music, to the global level and have an impact, make a difference to Dr. Gandhi's vision? The lyrics are the main part of the song, which I feel can change one's aspect, the thinking aspect. So, like the song Heal the World, that's really, I feel that's a very good song. And being a musician, composing songs like that, I feel that it will definitely help at the high level. Okay, that's a novel idea, I would say. Heal the world with music. Yeah. What else, Akarsh, like you took your intermediate examination, ISC examination, preparing for competitive examinations, all those engineering, pre-engineering tests. What else is happening? At least right now, not much. Back then, when I was about to give the board exams, a lot of tension and all that how much will I score? Will I score the expected marks or not? Will I be down or up? Right now, it's not a calm mood, little bit tension that what will be my future, the colleges and all that, but still pretty calm right now. Mm. The perfect strategy that CMS doles out to its students, how to be the winner, the perfect 90% and above, and in your case 98.75%, that the combination, the entire hard work put together by teachers, principal, management, students, has paid off. Yeah, exactly. Do you think it was good enough, or you had to do something extra? No, I feel that the efforts of teachers, that was ultimate. But I don't feel that I had to work much at home. Like, I see people coming from school, revising the notes. Obviously, revising is must, but then they prepare the chapters on themselves, and that was not my case. Teachers were ultimate. They prepared everything, be it notes, be it lectures, and all that. I didn't feel that I had to put much in. You mean to say you never did any kind of self-study? No, I did, but not of that level like I see people doing, mm-hmm. especially the toppers. And I don't feel actually that I'm a topper, because... You mean to say you could do it so effortlessly? Yeah, I feel so. Because I don't feel that I did much which required to bring 98.75. Presently at this position, I feel that it's quite a high percentage, and I doubt whether I had done so much or not. But really, I feel that it's 80% contribution is of teachers, only 20% is mine. Shikshatmak Sanskritik Karikram Evam Chintan Hetu विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।